नेताजी के भाई अभय राम यादव ने कर दिया एक ऐसा ऐलान जिससे सपाइयों को जगी उम्मीद और विरोधी पीटने लगे छाती। अखिलेश यादव को भी नहीं पता था कि सियासत से दूर रहने वाले अभय राम यादव इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। शिवपाल की क्या होगी पार्टी में भूमिका और क्या होगा पारिवारिक रसूख, अभय राम ने साफ कर दी तस्वीर। विरोधी कर रहे थे सपा के टूटने की दुआ, लेकिन अभय राम ने सबकी उम्मीदों पर फेरा पानी और बचा ली परिवार की साख। अखिलेश यादव पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ निकले हुए थे और घर पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था। नेताजी के भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के पिता अभय राम यादव आगंतुकों से मिल रहे थे। इसी बीच जब परिवार की एकता की बात आई तो फिर सियासत से हमेशा दूर रहने वाले अभय राम यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने साफ कर दिया कि वो सियासत से चाहे कितने भी दूर हों, लेकिन नेताजी की तरह सियासी समझ उनकी उम्दा है। विरोधी नेताजी के निधन के बाद परिवार के टूटने की दुआ कर रहे थे, लेकिन अभय राम यादव ने जो ऐलान किया उसने विरोधियों के सारे गेम प्लान पर पानी फेर दिया और परिवार की साख बचा ली। अखिलेश यादव को भी नहीं पता था कि ताऊ अभय राम यादव कुछ ऐसा ऐलान कर देंगे। अभय राम यादव ने क्या ऐलान किया और क्यों अब विरोधी माथा पीट रहे हैं सब बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि पार्टी में क्या चल रहा है। नेताजी के निधन के बाद सपा बिखरी दिखाई दे रही है, लेकिन गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहीं दूसरी ओर सैफई में संवेदना व्यक्त करने जो भी पहुंच रहा है वो एक ही मांग कर रहा है कि चाचा भतीजे साथ आएं और मिलकर काम करें। इसी कड़ी में अभय राम यादव ने ऐलान करते हुए जहां परिवार को एक रखने के लिए बड़ी बात कही, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव की क्या भूमिका होगी इसको लेकर भी तस्वीर साफ कर दी। समर्थकों के साथ बैठे अभय राम यादव ने कहा कि अब शांति हवन के बाद पूरा परिवार साथ बैठेगा और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को समझाया जाएगा कि शक्ति एकता में ही है और साथ मिलकर काम करो और 2024 का चुनाव जीतकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दो। अभय राम यादव ने कहा कि हम बड़ों का कर्तव्य है कि परिवार और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुरानी बातों पर मिट्टी डाली जाए और नए सिरे से पार्टी को खड़ा किया जाए। विरोधी जो परिवार की फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सारी तैयारी को फेल करने का अब वक्त है, और अगर हम अलग हुए तो फिर न इससे पार्टी का भला होगा और न कुनबे का, और परिवार के टूटने की दुआ करने वाले सफल हो जाएंगे। अब देखना यह है कि अभय राम यादव ने जो कहा है उसका क्या असर दिखता है और क्या अखिलेश यादव उनकी बात पर गौर करते हैं। क्या शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर भतीजे के साथ मिलकर विरोधियों को सियासी टक्कर देंगे? इन तमाम सवालों के जवाब नेताजी के शांति हवन के बाद मिलेंगे। फिलहाल परिवार साथ दिखाई दे रहा है और हर काम में शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ सुसाई की तरह नजर आते हैं और सपाई यही एकता आगे भी देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।